हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीलंकन इमरजेंसी के बारे में। फ्रॉम 6 मार्च 2018 टू 18 मार्च 2018, चलिए बात करते हैं कि वो कौन सा रीजन था जिसके वजह से इमरजेंसी को इम्पोज करना कंपलसरी हो गया। ये बात शुरू होती है 4 मार्च 2018 से। उस दिन एक 41 साल के बुद्धिस्ट सिंहाली मैन को मृत्यु तक मारा गया था। और इससे हुआ क्या कि मुस्लिम कम्युनिटी और बुद्धिस्ट कम्युनिटी आमने सामने रोड पर और पब्लिक प्लेसेस पे आके श्रीलंका में फाइट करने लगी। और रायट्स की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है दो कम्युनिटी के बीच में, एक कैनेडी सिटी के पास के तेलेंदिया नाम के टाउन से। और बाद में सारी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उसको डैमेज कर दिया गया था, ज्यादातर दुकानें, बसेस, व्हीकल, मॉस्क और जो बुद्धिस्ट समुदाय के जो भी प्रॉपर्टीज थे उसको भी डैमेज कर दिया गया था। अब जब इमरजेंसी की बात आती है तो चलो एक बार गौर करते हैं कि भारत में इमरजेंसी कब लागू की गई थी और इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में दी गई है भारत के बंधारण यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर तीन तरह की इमरजेंसी की डिस्कशन की गई है। एक है आर्टिकल 352, एक है आर्टिकल 356 और एक है आर्टिकल 360। तो आइए पहले बात कर लेते हैं जो आर्टिकल 360 है, जो कभी हिंदुस्तान में लगाई नहीं गई है। वो एक इकोनॉमिक इमरजेंसी यानी कि फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर जो इमरजेंसी लगाई जाती है उसके बारे में है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इस प्रकार की इमरजेंसी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 356। जब कभी एक स्टेट के अंदर या एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ कोई भी इश्यू चल रहा होता है या फिर इंटरनली कुछ डिस्प्यूट सामने आते हैं तब जाके 356 आर्टिकल का यूज होके एक इमरजेंसी की सिचुएशन जनरेट होती है। और अब बात करते हैं एक सबसे बड़ी इमरजेंसी की, 1975 से लेकर 1977 के वक्त के दौरान जो 21 महीनों की जो इमरजेंसी लगाई गई थी जब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी श्री इंदिरा गांधी जी। और वो जो इमरजेंसी थी वो इम्प्लीमेंट करवाने के समय पे जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। और इस इमरजेंसी के दौरान ही काफ़ी सारे इश्यूज इंडिया ने बैर किए थे और सिविल लिबर्टी थी जो भारत के नागरिकों की वो छीन ली गई थी। अब बात करते हैं श्रीलंका में जो इमरजेंसी लगाई गई तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए थे। गवर्नमेंट ने 6 मार्च 2018 को इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। उस समय 100 से भी ज़्यादा दंगे हो चुके थे दोनों कम्युनिटी के बीच में यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के बीच में। उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए 100 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट फोर्सेस को काम पे लगाया गया था। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो सोशल मीडिया का जो एक्सेस है जैसे कि फेसबुक वगैरह की एप्लीकेशंस होती है, इंटरनेट का यूजर जो, वो सारा का सारा बैन कर दिया था। अब पूरी मैटर को हम दोनों कम्युनिटी के हिसाब से देखते मुस्लिम कम्युनिटी का इसके बारे में क्या कहना है। मुस्लिम पॉपुलेशन है जो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 10% है, लेकिन ये जो बात है कि ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है इन लोगों की पॉपुलेशन में 4% से, यानी कि पहले ये 6% हुआ करती थी, हाल ही में ये 10% से ज़्यादा हो चुकी है। और मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो ज़्यादातर सभी कम्युनिटीज अनदर कम्युनिटीज़ को और बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ को फोर्स कर रही है कि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आए और उनकी साथ मिलके मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सपांड करे। और उन लोगों का जो एक्सपांशन का प्लान है उसका व्यू पॉइंट ये है कि एक्सपांशन के साथ उनके पास पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी होंगे और कुछ ज़्यादा करके बड़ा करके दिखा पाएंगे, अपने एक माइनॉरिटी के टैग को हटा के कुछ बड़ा कर पाएंगे। दूसरी तरफ है सिंहाली बुद्धिस्ट जिनकी पॉपुलेशन श्रीलंका के अंदर 75% के अराउंड है, लेकिन सिंहाली बुद्धिस्ट अभी वो मेजोरिटी होने के बावजूद भी माइनॉरिटी की जो फियर होती है उसी तरह से कुछ डर अपने अंदर पनप रहा देखते पा रहे हैं कि सिंहाली बुद्धिस्ट है वो ज्यादातर मेजोरिटी होने के बावजूद भी माइनॉरिटी में कन्वर्ट ना हो जाए, इसी डर से वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और मुस्लिम से इस रायट के दौरान आमने सामने आ गए थे। और जो रायट का मेन रीजन है वो है कि सिंहाली बुद्धिस्ट के एक आदमी को इतनी बेरहमी से मारा गया कि वो मृत्यु तक को प्राप्त कर चुका है। और जो बात है कि सिंहाली बुद्धिस्ट को जो पसंद नहीं है वो ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी का ज़्यादातर इंटरफियरेंस हो रहा है बुद्धिस्ट कम्युनिटी के अंदर कि वो लोग आए और मुस्लिम रिलीजन को अपना रिलीजन बनाए। अब बात करते हैं कि कितना डैमेज हुआ है। कई सारे लोगों को इस राइड के दौरान काफ़ी चोट पहुँची है, काफ़ी सारे कम्युनल क्लैशेस हुए हैं जिससे कि 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उसमें से 2 थे मुस्लिम और 1 थे सिंहाली बुद्धिस्ट।
450 से ज्यादा मुस्लिम घरों और दुकानों के अंदर डैमेजेस हुए हैं, 60 से भी ज्यादा व्हीकल को बर्न कर दिया गया है। और ये सारी जो घटना है वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैनेडी और उसके आसपास के इलाकों में ज्यादातर देखने को मिली है। डजन्स ऑफ मुस्लिम रिलीजियन साइट्स हैव बीन डैमेज्ड, यानी कि जो मुस्लिम रिलीजियन साइट्स थी, मॉस्क वगैरह जो प्लेसेस थे, वो सारे के सारे प्लेसेस को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ और डैमेज का सामना करना पड़ा है और वहां रहने वाले लोगों को भी इससे काफी तकलीफ देखने को मिली है। और कई पुलिस जवानों ने काफी लोगों को रोकने की कोशिश की, इसी दौरान 300 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है इस घटना के चलते। और एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत बड़े लीडर को भी सस्पेक्ट के तौर पर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखते हैं कि 18 मार्च को ऐसी क्या सिचुएशन सामने आई थी, जहां श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मैत्रीपाल सिरीसेना, उन्होंने बताया ट्विटर के माध्यम से कि संडे को सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल में आने के बाद पब्लिक सेफ्टी को नजर में लेते हुए ट्विटर से बताया कि हम इमरजेंसी को लिफ्ट करते हैं और जो बैन था सोशल मीडिया का उसका भी अंत लाया। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 7 सालों में श्रीलंका में हुई घटनाओं को देखते हुए ये सबसे बड़ी घटना थी जिसे दुर्घटना के तौर पे वो देखते हैं। और पॉलिटिकल अफेयर्स के सेक्रेटरी जनरल ने बताया जेफरी फिटलमैन ने कि श्रीलंका के अंदर जो कुछ भी तनावग्रस्त स्थिति उत्पन्न हुई थी उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए और इस घटना से दूसरी दफा ऐसी घटना ना हो इसके लिए काफी सारे स्टेप्स लेने बहुत जरूरी रहेंगे श्रीलंकन गवर्नमेंट को। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई श्रीलंकन इमरजेंसी की, जिसकी स्टार्टिंग से एंड तक की सारी जानकारी हमने इस वीडियो में आपको दी है। लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हाल ही में हमारी चैनल पे अपलोड किया हुआ स्टीफन हॉकिंस का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा स्टीफन हॉकिंस की पूरी लाइफ हिस्ट्री। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो उन्होंने पूरे जीवन में क्या कुछ प्राप्त किया और उससे सबसे ज्यादा मोटिवेट हमें किस तरह से होना है। उस एंगल से हमारे वीडियो को जरूर देखिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। और मेरी बात सुनिए दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर और डियर वन के साथ शेयर करें। स्प्रेडिंग द नॉलेज, कीप वॉचिंग टू अवर चैनल, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।